और बड़ी खबर आपको महासमुंद से बता रहे हैं, जहां दंतैल हाथी ने 2 ग्रामीण युवकों को कुचल दिया है। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। क्षेत्र में 12 से 15 हाथियों का जमावड़ा देखने को मिला। मृतकों का नाम बिस्तोहा गौड़ और गोविंद पटेल पंचायत भवन के पास ब्यावरा में ये घटना घटित हुई है। धान की रखवाली करने गए थे युवा। सूचना मिलते ही गजराज वाहन की टीम के साथ ही वन अमला मौके पर पहुंच गया। गांव के आसपास करीब 12 से 15 हाथियों को देखा गया है। बासकुंडा गांव के पट्टी नंबर 1 की ये घटना है, जिसमें सिरपुर वन परिक्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दंतैल हाथियों का झुंड 12 से 15 की तादाद में देखा गया है, जिन्होंने 2 युवकों को कुचलकर मार दिया है। वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा है और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार रेखराज फोन लाइन से जुड़ गए। रेखराज, वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा है, स्थिति को काबू में कर लिया गया है क्या? जी, स्थिति काबू में नहीं हुआ है, क्योंकि हाथी भगाओ फसल बचाओ वहाँ पर समिति गठित हुए है। उनके कार्यकर्ता लोग जो है वहाँ पर प्रभावित क्षेत्र में गए हुए हैं जायजा के लिए और आगे रणनीति बनाने के लिए। मैं आपको जिले के बारे में बता दूँ, हाथी क्षेत्र के बारे में, कि महासमुंद जिले के करीब 52 गाँव वर्तमान में 8 सालों से हाथियों के आतंक से परेशान है, परंतु वन विभाग जो है आज तक ग्रामीणों की परेशानी से छुटकारा दिलाने में नाकामयाब साबित हुए हैं। आए दिन फसल को बर्बाद कर रहे हैं, लचर ग्रामीणों को दर्द सुनने वाला भी कोई नहीं है। जिले में अगर लोग थोड़ी गौर करें तो महासमुंद जिले में 52 गाँव के हजारों ग्रामीण जो है हाथियों के आतंक से सालों से परेशान है। और हाथी जो है बीते 5 सालों में 19 लोगों को जो है मौत की घात उतार चुके हैं, 16 लोगों को घायल कर चुके हैं, 52 गांव हजारों हेक्टेयर की फसल जो है बर्बाद कर चुके हैं। और उसी तारतम्य में जो है बीते रात करीब 9 बजे जो है हाथी प्रभावित सिंधु क्षेत्र के ग्राम बात हाथी द्वारा 2 लोगों को मौत की घात कर दिया है। गाँव के अंतिम चौक पर ये दोनों युवक फसल की रखवाली करने के लिए ब्याह खलिहान में सुरक्षा कर रहे थे, तभी अचानक जो है हाथी आज आपको हाथियों ने दोनों युवक को पूरी तरह से कुचल करके मार दिया है, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रेखराज।